शर्मा के जो तुमने घूंघटा उठाया, शर्मा के जो तुमने घूंघटा उठाया, चांद नजर आया, हो मेरा चांद नजर आया, चांद नजर आया, हो मेरा चांद नजर आया। जमाने से लड़के मैंने तुमको है पाया, जमाने से लड़के मैंने तुमको है पाया, चांद नजर आया, ओ मेरा चांद नजर आया, चांद नजर आया, ओ मेरा चांद नजर आया। जनों आप सभी को कार्तिक माह शुक्ल की चौथ को पड़ने वाले पावन पवित्र त्योहार करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। करवा चौथ का कठिन व्रत उपवास हमारी सुहागिन बहनें अपने अपने पतियों की दीर्घायु हेतु रखती हैं, निर्जल निराहार रहती हैं, सायंकाल को सोलह श्रृंगार करती हैं, करवा मैया की कथा सुनती हैं, माथे पर लाल चुनर सजाती हैं, हाथों में मेहंदी और कलाइयों में लाल हरी चूड़ियां धारण करती हैं, रात्रि में चंद्रमा का पूजन आरती कर उन्हें अर्घ्य देकर ही एक समय भोजन प्राप्त करती हैं। भक्तजनों इस पावन त्योहार से जुड़ी अनेकानेक गाथाएं वेद पुराणों में वर्णित हैं। आज मैं आपको करवा चौथ के पावन व्रत की पावन संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो करवा मैया के चरणों का ध्यान लगाते हुए
आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र कथा। करवा चौथ की पावन गाथा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं। कैसे मैया कृपा करके तुमको आज बताते हैं। करवा चौथ की पावन गाथा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं। कैसे मैया कृपा करके तुमको आज बताते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, किसी नगर में एक सेठ जी अपनी पत्नी 7 पुत्रों और 7 पुत्रवधुओं के साथ सुख चैन से रहते थे। उनकी एक पुत्री भी थी भक्तों, जो माँ बाप की आंखों की राज दुलारी थी। भाइयों को भी अपनी इकलौती बहन बहुत प्यारी थी। बहना कार्तिक मास में पड़ने वाले त्योहार मनाने हेतु मायके आई हुई थी। करवा चौथ का पावन पवित्र दिवस आया भक्तों, उसकी 7ों भाभियों ने अपने पतियों की दीर्घायु हेतु व्रत उपवास करने की ठानी। इधर बेटी भी हट लगा बैठी कि मैं भी अपने पति की दीर्घायु हेतु ये कठिन उपवास रखूंगी। भाइयों भाभियों ने बहुत समझाया, अभी तेरी अल्प आयु है, तुझसे भूख प्यास सहन नहीं होगी। परंतु बहना थी के मान ही नहीं रही थी। भाभियों ने भी उसका मन रखने हेतु उसे उपवास रखने की इजाजत दे दी। बहना ने कठिन व्रत उपवास रखा, परंतु हुआ वही जो होनी को मंजूर था भक्तों। दोपहर तक आते आते उसे भूख प्यास सताने लगी। भाइयों से अपनी बहन का दुख देखा नहीं जा रहा था, सो उन्होंने एक उपाय सोचा। वो उपाय क्या था भक्तों, आइए सुनाता हूं। पर्वत ऊपर दीप जलाया, बहना को बुलवाया है। जल्दी अर्घ चढ़ा लो बहना, चांद निकल कर आया है। चांद समझ कर अर्घ चढ़ाया, खाने को फिर बैठ गई। हुए अब शकुन भक्तों भारी, मन में शंका आ गई। संदेशा पाया बहना ने, पति मरने को आते हैं। संदेशा पाया बहना ने, पति मरने को आते हैं। कैसे मैया कृपा करती भक्तों तुम्हें बताते हैं। जैसे ही बहना ने ये समाचार पाया कि उसका पति ससुराल में बहुत बीमार है, मरणासन्न अवस्था में है, घबरा कर अपने ससुराल को चली। उसके माता पिता भाई भी व्याकुल हो गए। माता ने समझाया, हे पुत्री, बहुत कठिन घड़ी है, इसलिए मार्ग में जो भी मिले उनके पांव छूते रहना, और जैसे ही कोई सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तुरंत अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। धीरे धीरे चलती हुई अपने ससुराल के निकट पहुंच गई। द्वार पर क्या देखती है कि छोटी ननद खेल रही है। पहले तो वो भीतर जाने लगी, फिर उसे माँ का वचन याद आ गया। उसने छोटी ननद के भी पैर छू लिए। छोटी ननद ने पैर छूते हुए अपने बड़ों को आशीर्वाद देते देखा था, सो उसने भी आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागन रहो भाभी। बस ये क्या सुनना था कि बहू ने अपने पल्लू पर गांठ मार ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पाती है, परंतु उसे तो अपनी माता के वचन पर विश्वास है। वो हट पर अड़ गई कि मैं पति को जलाने नहीं दूंगी,
इन्हें जीवित कर दूंगी। घर वालों ने भी पागल समझकर उसे अपने पति के शव के साथ शमशान के किनारे झोपड़ी में रख दिया। ननद दो समय खाना दे जाती और बहू पति के शव की देखभाल करते हुए हर महीने की चौथी का व्रत करने लगी। हर महीने की चौथी माँ आती और उसे एक ही बात समझाती। करवा मैया क्षुब्ध है तुझसे नाराजी दिखलाई है, करवा मैया ने ही तेरी हालत ये बनवाई है। कार्तिक चौथ में मैया आए पांव तो जाके पकड़ लेना, जीवित करो मेरे सुहाग को ये वरदान तू ले लेना। करवा मैया की कृपा से मृत जीवित हो जाते हैं, करवा मैया की कृपा से मृत जीवित हो जाते हैं। कैसे मैया कृपा करती आ तुम्हें बताते हैं, समय का चक्र चलता रहा भक्तों। एक बरस हो गया फिर से कार्तिक माह की चौथी आने वाली थी। अब बहू ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए मैया चौथी से अपना सुहाग अवश्य मांग कर रहूंगी। सो कार्तिक माह को चौथी को पड़ने वाले पावन करवा चौथ व्रत की तैयारी करने लगी। छोटी ननद से 16 सिंगार मंगवा लिया, लाल चुनर चूड़ी बिंदी काजल हाथों में रचाने को मेहंदी। ससुराल वालों ने सोचा अब तो ये पूरी तरह पागल हो गई है, भला 16 सिंगार मंगवा रही है विधवा होकर। परंतु बहू को करवा मैया पर पूर्ण विश्वास था। करवा चौथ का दिन आया, बड़े ही श्रद्धा भाव से उसने करवा मैया का व्रत किया। निर्जला निराहार रही, माता को याद करती रही, माता के नाम को गाती रही। और जब सायकाल को मैया ने उसे दर्शन दिखाया तब भूनी ने क्या खेल रचाया, आइए सुनते हैं। करवोले कहती करवा मैया आई है, भाइयों की प्यारी बहना साथ साथ तेरे भाई है। दिए को ही चांद समझकर खाना खा कर आई है, भाइयों की बहना तू मेरा घोर अपमान कर आई है। चरण पकड़ लिए करवा माँ के आंसू ना रुक पाते हैं, चरण पकड़ लिए करवा माँ के आंसू ना रुक पाते हैं। कैसे मैया कृपा करती आ तुम्हें बताते हैं, बेटी ने आव देखा ना ताव, करवा मैया के पैर पकड़ ली, रो रो कर माँ के चरणों में प्रार्थना की। माता मैं अबोध थी नादान थी सो भूल हो गई, परंतु मेरी इस भूल का ये परिणाम मत दो माता, आपने तो मुझे भरी जवानी में विधवा ही बना दिया। अपनी बेटी पर भला ऐसा अत्याचार कोई माँ कैसे कर सकती है। हे माँ मेरी भूल को क्षमा कीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। बेटी की करुण पुकार सुनकर करवा मैया का हृदय पिघल गया भक्तों। उन्होंने 16 सिंगार का डब्बा मंगवाया, उसमें से काजल उठाया, काजल उठाकर उसमें से एक छोटी सी टीकी अपनी उंगली पर ली। माँ ने नेत्र बंद किए, मंत्र पाठ किया भक्तों, और वो काजल का छींटा पति के मृत शरीर पर डाला तो क्या चमत्कार हुआ, आइए भक्तों श्रद्धा के साथ सुनते हैं।
से काजल का छींटा पति के शव को लगाया है। मैया मैया कहता पति वो भक्तों फिर उठ आया है। मिली सूचना परिवार को हर कोई दौड़ा आया है। सबने साचे मन से माँ का जयकारा भी लगाया है। सारे करवा मैया जी के चरणों में झुक जाते हैं। सारे करवा मैया जी के चरणों में झुक जाते हैं। कैसे मैया कृपा करती भक्तों तुम्हें बताते हैं। सारा परिवार करवा मैया के चरणों में झुक गया भक्तों, और सांचे हृदय से मैया की जय जयकार करने लगा। लड़के की माता माँ के चरण पकड़कर खुशी के आंसू बहाती हुई बोलती है, माँ आपकी कृपा से मेरा मृत पुत्र जीवित हो गया, मैं फिर से पुत्रवती हो गई, आपका भला किस मुख से धन्यवाद करूं। परंतु माँ हम सबकी एक ही प्रार्थना है कि जैसा आपने मेरी पुत्रवधु के साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना माँ। ये सब आपके भक्त हैं, इनसे भूल होती रहती है, परंतु इनकी कठिन परीक्षा कभी मत देना माँ, कभी मत देना। माँ ने सभी को ढेरों आशीर्वाद दिए, आशीषें दी, वरदान दिए, और जाते जाते उस पति और पत्नी की झोपड़ी पर एक लात जमा दी भक्तों। फिर क्या था, चमत्कार हो गया, वो झोपड़ी अंतर ध्यान हो गई और वहां बड़ा आलीशान महल बन गया। धन धान अन धन के भंडारे भर गए, नौकर चाकर इधर उधर काम काज करने लगे, सारा परिवार हंसी खुशी उसी महल में रहने लगा, तथा हर वर्ष करवा चौथ को करवा मैया का व्रत उपवास करके उनकी तपस्या उनकी पूजा आरती करता। इसी तरह जीवन पर्यंत वो परिवार माता का कृपा पात्र बना रहा। ऐसे ही भक्तों हमारी माताएं बहने जो सुहागिन हैं, माता का व्रत उपवास रखती हैं, अपने अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सायंकाल माता की कथा सुनती हैं, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करती हैं। इस तरह जीवन पर्यंत करवा मैया की कृपा प्राप्त करती रहती हैं। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए करवा मैया की। बेटी का सुहाग लौटाया पावन कृपा दिखाई है। सारे ही परिवार ने माँ की जय जयकार लगाई है। जाते जाते झोपड़ी पे मैया लात जमाई है। झोपड़ी की जगह करवा माँ एक महल बनवाई है। सारे मिलकर करवा माँ को चंदन तिलक लगाते हैं। सारे मिलकर करवा माँ को चंदन तिलक लगाते हैं। कैसे मैया कृपा करती भक्तों तुम्हें बताते हैं। करवा चौथ की पावन गाथा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं। कैसे मैया कृपा करती तुमको आज बताते हैं। प्यारे भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं ये कामना करती हैं कि किसी भी कारण से उन्हें अपने पति का वियोग न सहना पड़े। सुहागिन महिलाएं इस दिन श्री गणेश जी की पूजा करके भगवान शिव और माँ पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेती हैं और सास द्वारा दी गई सर्गी का सेवन करती हैं। सर्गी में मिठाई फल पूड़ी आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। एक लोटे में जल भरकर
उसके ऊपर श्रीफल रखकर कलावा बांधा जाता है। वह दूसरे मिट्टी के करवे को लेकर उसमें जल भरकर ढक्कन से शक्कर भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रखी जाती है। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद धूप दीप अक्षत व पुष्प चढ़ाकर करवा माता का पूजन करके पूजा के उपरांत भक्ति पूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर चौथ माता की कथा श्रवण करके वाचन किया जाता है। तत्पश्चात रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच स्नेह और विश्वास के प्रतीक का पर्व है। इस व्रत को आडंबरों से रहित श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। आइए चौथ माता का ध्यान करके बड़ी ही श्रद्धा से करवा चौथ के लिए प्रचलित दो कथाओं का आनंद लेते हैं। बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ का आपको महत्व बताते हैं, महत्व बताते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करवा चौथ का आपको महत्व बताते हैं, महत्व बताते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। की चतुर्थी जब आए, प्रेम और विश्वास का ये पर्व मनाया जाए। सुहागिनों के लिए ये दिन होता है बड़ा खास। हार श्रृंगार करती खूब और रखती उपवास। बड़े कठिन है नियम व्रत ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। अपने पति के साथ सुख से जीवन बिता रही तुंगभद्रा नदी के पास। नदी किनारे एक दिन वो दोनों जाते हैं, दोनों जाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। पति को भाए, कर लो स्नान शीतल जल में उसके मन में आए। करवा को इच्छा बतला कर करने लगा वो स्नान, मगर मच्छ ने पैर पकड़े
मुट्ठी में थी जान। सोचे पति के अब तो प्राण बच ना पाते हैं, बच ना पाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। रक्षा के लिए अपनी पत्नी को वो बुलाने लगा। इस घटना से करवा तो थी बिल्कुल अनजान। आवाज सुन के दौड़ी आई छोड़ के सारे काम। हालत देख के पति के नैना नीर बहाते हैं, नीर बहाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। था काम लिया कच्चे धागे से, मगर को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व से मगर तो हिल ना पाया। समझ गया वो प्राण गए, संकट में वो आया। पतिव्रता में होती शक्ति पुराण बताते हैं, पुराण बताते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया।
शाप की चिंता होने लगी। सती स्त्री की बातें यम भी टाल न पाते हैं, टाल न पाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया।
मुश्किल का समाधान। कई बार मोह में बड़ी गलती सब कर जाते हैं, सब कर जाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। बहना ने भी चांद समझ कर अर्घ दे दिया। भोजन कर लिया बहना ने, व्रत फिर भंग हुआ। पति उसका भी मार पड़ा, धन सब नष्ट हुआ। अपनी करने पर तब वो बड़ा पछताते हैं, बड़ा पछताते हैं। इस पावन की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। चतुर्थी व्रत बहना ने गणपति जी मनाए। बिना गलती के श्रद्धा पूर्वक व्रत को वो पुगाए। गणपति जी प्रसन्न हुए, पति फिर स्वस्थ हुआ। धन वैभव ऐश्वर्य का उसे वरदान दिया। गणराज के पूजन से सब सुख मिल जाते हैं, सब सुख मिल जाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। झुकाते हैं इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते।